हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये स्वेटर डिज़ाइन बता रही हूँ और ये डिज़ाइन बहुत प्यारी है। एकदम छोटा छोटा डिज़ाइन देखो कैसे दिख रहा है। और इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, बेबी स्वेटर, कैप में आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चार फंदे चाहिए। चार चार फंदा रखना है, तो तीन फंदा हम सीधा सीधा बनाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और दोनों साइड में हमने दो दो फंदा रखा है सीधा सिलाई के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनता है। और ये देखो हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड में ऐसे दिखता है। तो चलिए बताती हूँ ये कैसे बनता है। इसमें हमने 16 फंदे लिया है, दो फंदा इधर रखेंगे, दो फंदा इधर, और 12 फंदे में हमारी तीन डिजाइन आएगी। तो फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके एक फंदा पहले हम सीधा बनाएंगे, अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब तीन फंदा सीधा बनाएंगे, अब यहाँ एक फंदा उल्टा, अब जो लास्ट में एक फंदा है इसको सीधा बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमें जो फंदा हमारा जैसे है वैसे ही बनाएंगे हम, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा है। उल्टा साइड से जो हमारा उल्टा फंदा है उसको हम उल्टी तरफ से सीधा बनाएंगे, अब धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा बनाएंगे, तो ये देखो हमारा दो सिलाई हो गया। अब इसको हमें अभी और बनाना है दो सिलाई, तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे फंदा है वैसे हमें बनाना है दोनों तरफ से। सीधा फंदा है तो सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे। तो दो सिलाई बना के फिर बताते हूँ आपको। अब देखो सीधा साइड से हमें कैसे बनाना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदा है तो फर्स्ट वाला फंदा पहले हम स्लिप कर लेंगे ऐसे, ये दो फंदा हम ऐसे आगे से बनाएंगे, दो का एक करेंगे, और इस वाले फंदे को जो हमने स्लिप किया है उसको ऐसे इसको हम ढका देंगे, तो ये हमारा एक फंदा हो जाएगा बीच में, तीन फंदे का एक फंदा हो गया। और फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ऐसे बनाना है, एक फंदा स्लिप किया, अभी दो फंदा हम आगे से लेंगे, अब इस वाले फंदे को लेकर के इसको हम ऐसे ढका देंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप किया, दो का एक बनाया आगे की साइड से, अब इस वाले फंदे को लेकर के हमें इसको स्लिप कर देना है ऐसे, ऐसे, अब एक फंदा उल्टा, लास्ट में एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ये हमारा सीधा साइड था। अब उल्टी की तरफ से हमें देखो, अब इसमें हमारी डिजाइन बनेगी, ये जो हमारा उल्टा फंदा है उसमें। तो इधर से देखो दिख रहा है, जो फंदा हमारा सीधा दिख रहा है उसमें हमें एक फंदे में तीन फंदा बनाना है। अभी देखो उल्टा फंदा हम उल्टा बनाएंगे और ये सीधा फंदा है उसमें हमारी डिजाइन बनेगी। अब इसमें देखो हम सीधा फंदा है, एक बार लेंगे हम ऐसे,
थोड़ा इसको ढीला रखेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्का। फिर एक बार लेंगे, दो हो गया, फिर ये लेंगे, तीन हो गया। अब एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर से इस वाले फंदे में तीन फंदा लेंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इसमें लेंगे एक, पहले एक बार लेंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब इसमें बनाएंगे एक, फिर दो तीन, अभी दो फंदा हम लास्ट में उल्टा बना लेंगे। अब ये सीधा साइड आ गया हमारा। सीधा साइड से देखो, फर्स्ट वाला फंदा पहले हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे अलग अलग करके, एक दो तीन, ये तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदा सीधा बनाएंगे हम, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब उल्टे तरफ से हमें देखो, एक फंदा हमें सीधा बनाना है और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे हम। तो इस वाले फंदे को हम ऐसे ले लेंगे, देखो, क्योंकि यहाँ हमारी डिजाइन है। अब धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, फिर आ धागा आगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, तीन फंदा, फिर उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये हमारा उल्टा साइड था। सीधा साइड से देखो कैसे करना है इसको। अगर आप डिजाइन को थोड़ा बड़ा चाहते हो तो दो सिलाई और बनाना, नहीं तो ये चार सिलाई हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, देखो, धागा आगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब ये तीन फंदा है तो इसको पहले फर्स्ट वाला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब ये दो फंदा हम आगे एक साइड से ऐसे लेंगे और इस वाले फंदे को हमें इसको ऐसे डका देना है, ऐसे। अब धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से हमें वैसे ही बनाना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, दो का एक करेंगे आगे एक साइड से पहले, फिर इस वाले फंदे को हम इसको ऐसे डका देंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, ये दो फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे और इस वाले फंदे को लेकर के हमें इसको ऐसे डका देना है, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर ये तीन फंदा ऐसे दो का एक करेंगे। फर्स्ट वाला फंदा हमें स्लिप करना है, दो का एक करते हुए ये देखो अब हमारी डिजाइन इसमें बनेगी। जो फंदा हमारा उल्टा यहाँ से दिख रहा है सीधे तरफ से, तो उल्टे तरफ से हमारा सीधा हो जाएगा। अब जब हमारी डिजाइन बनेगी तो उसमें बनेगी। अब ये देखो, एक फंदा उल्टा बनाया और ये सीधा फंदा है, तो उसमें हमें फिर से ऐसे तीन बार बनाना है, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा है उसमें बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन फंदा हो गया, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक दो तीन,
फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो हमारी डिजाइन देखो ऐसे ही बनेगी। तो डिजाइन के ऊपर डिजाइन हमें नहीं बनाना है। ये देखो डिजाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। फर्स्ट में पहले हमें 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा बनाना है, 4 सिलाई। फिर उसके बाद इसको घटा के हम जो 3 फंदा है उसको हम एक करेंगे और 1 फंदे में हम 3 फंदा बनाएंगे। फिर 2 सिलाई, 3 सिलाई बना के फिर 4थे सिलाई में हमें घटाना है। फिर 3 फंदा के 1 फंदा बनाएंगे और 1 फंदे में हम 3 फंदा बनाएंगे। तो डिजाइन के ऊपर डिजाइन हमारी नहीं बनेगी, बीच बीच में डिजाइन बनाना है। तो ऐसे ही डिजाइन बन के रेडी है, मैंने बना के रखा हुआ है। तो हमारी डिजाइन इसमें कंप्लीट है पूरा। और डिजाइन अगर आपका धागा मोटा है 3 प्लाई 4 प्लाई तो डिजाइन बहुत प्यारी लगेगी। और डिजाइन देखो बन के रेडी है, ऐसे ही बनेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।